हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मिशन एक्सीलेंस एकेडमी इलाहाबाद के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। देखिए, आज कई दिन से, दो तीन दिन से क्लास नहीं चल पा रही थी, थोड़ी सी अस्वस्थता थी, लेकिन क्लास चलेंगी, रेगुलर क्लास चलेंगी। क्लास इलेवंथ के भौतिक, गुड इवनिंग ऑल। क्लास इलेवंथ का जो भौतिक विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, रेखीय पथ पर गत, उसमें हम लोगों ने चाल तो पढ़ा, वेग पढ़ा। वेग कितने प्रकार के होते हैं ये भी पढ़े थे। अब वेग में पढ़े थे हम एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग और क्या पढ़े थे, तात्कालिक वेग। एक समान वेग वही है जिसमें, जैसे चाल के लिए एक समान चाल था, वैसे वेग के लिए भी एक समान वेग है, कि इसमें समय और चाल, समय निश्चित हो और वेग जो आपका है, समय निश्चित हो और वेग समान गति में काम करे या समान हो, वेग समान हो और समय भी निश्चित हो, तो वो एक समान वेग है। और वही समय निश्चित हो लेकिन वेग असमान हो तो वो असमान वेग है। जैसे हर एक घंटे पे मैं 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा हूँ, तो अगले घंटे में फिर 5 किलोमीटर, फिर अगले घंटे 5 किलोमीटर, निश्चित वेग है और निश्चित समय है, तो वो एक समान वेग। वही असमान वेग हुआ, असमान वेग भी वही हुआ कि निश्चित समय है लेकिन वेग क्या है, अलग अलग है। एक घंटे में 5 किलोमीटर, दो घंटे में हम एक, फिर अगले एक घंटे में फिर 10 किलोमीटर गए, फिर अगले एक घंटे में 3 किलोमीटर गए, तो ये क्या हो रहा है, हमारा जो दूरी है वो क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। वेग अलग अलग चाल से हम चल रहे हैं, अलग अलग वेग से चल रहे हैं, तो असमान वेग। औसत वेग वही होता है कि दोनों वेगों को जोड़ के कुल बटा कुल, मतलब कुल तय की गई दूरी बटे कुल तय की गई दूरी में लगा समय, मीन्स कुल विस्थापन बटे कुल समय। दूरी की जगह पर यहाँ क्या लेंगे हम, विस्थापन लेंगे। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय, सब वही चाल की भांति रहेगी। तात्कालिक का मतलब होता है कि जो विशेष समय में, विशेष समय का मतलब क्या हुआ कि जो विशेष समय में कार्य करें या विशेष समय में कोई दूरी तय करे, कि जैसे हमने एक निश्चित विशेष समय लिया कि हमको घड़ी की सुई 9:01 थी, फिर अगला 1 मिनट वो बढ़ा तो 9:02 हुआ, तो ये क्या हो जाता है, हर एक मिनट या सेकंड का बढ़ना क्या हो कहलाता है, विशेष समय कहलाता है। तो विशेष समय छोटी से छोटी इकाई को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए तात्कालिक वेग को, जो तात्कालिक वेग होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो तात्कालिक वेग है, ये केवल समझने वाली बात है, तात्कालिक वेग v बराबर हो जाता है, इसको हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं, v बराबर ds अपॉन dt। मतलब सूक्ष्म, कम से कम ये अवकलन होता है कि ddt ऑफ s, मीन्स s मीन्स यहाँ पर क्या देंगे हम, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन देंगे, कि समय t के सापेक्ष इस विस्थापन का हम क्या किए हैं, अवकलन किए हैं। समय t के सापेक्ष इस s मतलब विस्थापन का क्या किए हम, अवकलन किए हुए हैं। यही तात्कालिक वेग होता है, मतलब एक विशेष समय में तय की गई विस्थापन, एक विशेष समय में तय किया गया विस्थापन ही तात्कालिक वेग कहलाता है। क्लियर हुआ कि एक विशेष समय में तय किया गया विस्थापन ही तात्कालिक वेग कहलाता है। विशेष समय dt है, विस्थापन s। यहाँ पर गुड इवनिंग बेटा, यहाँ पर जो है आपको अवकलन की बात है, तो अवकलन में कुछ सीखना है, पहले अवकलन थोड़ा सा सीख लेते हैं हम लोग, अवकलन होता क्या, अवकलन आप लोग गणित में पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा आपको बताते हैं अवकलन में, यहाँ थोड़ा अवकलन पढ़ते हैं तभी जाके आगे समझ में आएगा। अवकलन में होता है एक फार्मूला कि डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, मतलब इस एक्स की पावर एन का इस एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा, या
डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू एक्स की पावर एन, एक्स के सापेक्ष एक्स की पावर एन का अवकल गुणांक। अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स, यहाँ वाई है तो यहाँ भी वाई, यहाँ टी है तो यहाँ भी टी, यहाँ जेड है तो यहाँ भी जेड, वही होना चाहिए। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का जो फार्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ये फार्मूला होता है अवकल का। डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का जो फार्मूला होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल दे दें, कहा जाए कि टू टी क्यूब प्लस थ्री टी स्क्वायर प्लस टी प्लस फाइव का टी के सापेक्ष अवकलन करिए या अवकलन ज्ञात कीजिए। अगर आप किसके सापेक्ष कह दिया टी के, क्योंकि टी में था, तो इसको वही लिखेंगे कि डी डी टी ऑफ टू टी क्यूब प्लस थ्री टी स्क्वायर प्लस टी प्लस फाइव। एक विशेष बात ये ध्यान रखिएगा कि अवकलन जो होता है वो अचर राशियों के लिए शून्य होता है। अवकलन अचर राशि क्या है, फाइव है, तो इसके लिए शून्य, क्योंकि फाइव के साथ कोई भी चर राशि नहीं जुड़ी है। अगर कोई भी चर राशि जुड़ी होती तो वो अचर पद पहले लिख दिया जाता है। नहीं समझ में आ रहा है, केवल इतना समझिए कि अवकलन किसी भी अचर राशि का अवकलन शून्य हो जाता है, किसी भी अचर राशि का अवकलन शून्य हो जाता है, बशर्ते ये ध्यान रहे कि उसमें या उसका कोई भी गुणांक चर न हो। जैसे देखिए, ये शून्य नहीं होगा क्योंकि इसके साथ गुणांक क्या है, टी क्यूब है, ये शून्य नहीं होगा, इसके साथ गुणांक क्या है, टी स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है ना, तो एक भी शून्य नहीं होगा क्योंकि उसमें एक चर दिया है। किसी भी अचर का अगर चर के साथ रहेगा तो उसका शून्य गुणांक शून्य नहीं होगा अवकलन, लेकिन अगर फाइव केवल है, केवल फाइव है, तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। कैसे करते हैं देखिए, अलग अलग कर लेते हैं कि पहले डी डी टी ऑफ टू टी क्यूब का करेंगे, तो लिखेंगे डी डी टी ऑफ टू टी क्यूब प्लस डी डी टी ऑफ थ्री टी स्क्वायर प्लस डी डी टी ऑफ टी प्लस डी डी टी ऑफ फाइव। हमने क्या बताया कि अगर किसी भी चर राशि का गुणांक अचर है, ये देखिए दो इस टी क्यूब का गुणांक है, तो वो चर राशि पहले लिख ली जाती है, तो टू को क्या कर देंगे, हम पहले लिख देंगे, तो टू इंटू डी डी टी ऑफ टी क्यूब, यहाँ भी थ्री पहले लिख लेंगे, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो ऐसे लिख दो डी डी टी ऑफ टी, डी डी टी ऑफ केवल फाइव बचा तो केवल फाइव, तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। टू पहले से था तो जब टू लिख दिए, अब फार्मूला देखिए, डी डी टी ऑफ टी की पावर एन डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, तो एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, पावर पहले आ गया फिर उस पावर में एक घटा दिया गया, तो देखिए क्या लिखेंगे इसको, टू तो था ही, इसकी पावर कितना है, थ्री, तो टू इंटू थ्री, थ्री पहले आ गया, अब टी की पावर क्या एन माइनस वन, एन क्या है, थ्री है ना, तो क्या हो जाएगा ये थ्री माइनस वन, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, एन मीन्स पावर है, देखो एन पावर था तो पहले जो पावर था वो पहले लिख दिए गुणांक में, फिर यही चीज़ लिख के इसमें माइनस वन लगा दिए, यहाँ थ्री था तो पहले थ्री को गुणांक में कर लिए, टी लिख लिए, फिर थ्री था पावर में तो एक कम कर दिए, ऐसे इसमें भी प्लस में थ्री इंटू, अब पावर कितना है इसके, टू, तो टू को पहले लिख लो, टी की पावर वही टू माइनस वन दिखा दो, टू माइनस वन कर दिए, यहाँ कोई पावर नहीं है तो यहाँ वन लिख सकते हैं,
वैसे भी डी डी टी ऑफ मान एक ही होता है, डी डी टी ऑफ टी का मान एक होता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स का मान एक होता है। जिस अवकलन का जिसके सापेक्ष अवकलन कराया जाता है उसका मान अगर वो वही पद है तो उसको एक लिख दिया जाता है, या नहीं समझ में आ रहा है तो एक पावर बना दो। अब डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन या डी डी टी ऑफ टी की पावर एन, एन कितना है वन, तो यहाँ लिखेंगे प्लस वन, वन लिख दिए, इनटू टी की पावर एन माइनस वन, वन माइनस वन, जीरो से कोई मतलब नहीं इसलिए जीरो नहीं लिखे। ये क्या बन गया, तीन दूना छः, टी में तीन में से घटाएंगे दो, ये क्या बना तीन दूना छः, टी दो में से एक घटाएंगे एक, एक लिखा नहीं जाएगा, प्लस ये वन तो था ही, टी की पावर जीरो, टी की पावर जीरो की वैल्यू क्या होगी वन, किसी के भी अगर पावर जीरो होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है वन होती है, ठीक है ना। किसी के अगर पावर जीरो है, किसी भी राशि के ऊपर अगर जीरो लग गया, उसकी पावर में जीरो लग गया, तो वह वैल्यू हमेशा क्या बनाती है वन बनाती है। तो वन में से वन को घटाओगे तो जीरो ही आएगा, और टी की पावर जीरो की वैल्यू भी तो वन ही होती है, तो वन में वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही आएगा। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अवकलन करने का यही तरीका होता है, समझ में आया, अवकलन करने का यही तरीका होता है। जैसे हमको करना था कि 2t³ प्लस 3t² प्लस t+5 का t के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, तो हम किए क्या है कि ddt ऑफ 2t³ प्लस 3t² प्लस t एंड प्लस 5 लिख दिए। अब सबको अलग अलग कर दिए, एक बार ddt को 2t³ के साथ में प्लस, फिर ddt को 3t² के साथ में, फिर ddt को t के साथ में, फिर dd ऑफ t को 5 के साथ में कर दिए। अब यहाँ से अगर किसी भी अचर पद के साथ में चर पद लगा हुआ है तो उसका अचर पद बाहर हो जाता है। देखो 2 को बाहर कर दिए, ddt ऑफ, तो ddt ऑफ t³ बचा तो t³ प्लस सॉरी 3 को बाहर कर देंगे तो ddt ऑफ t² है तो t² प्लस ddt ऑफ t था तो t की पावर 1 ही लिख दिए। अब देखिए इस अचर पद के साथ में कोई चर नहीं जुड़ा था, जब नहीं जुड़ा था तो क्या बन गया, जीरो बन गया। अब ddx ऑफ x की पावर n, ddt ऑफ t की पावर n, n की जगह पर कितना है 3, तो 3 को पहले लिख लेंगे, 2 तो पहले से था ही, तो 2 × 3 एक्स की पावर एन माइनस वन, तो टी की पावर 3 − 1, तो टी की पावर 3 − 1। वही यहाँ देखेंगे हम, 3 था तो 3 पहले लिख ली, टी की पावर एन, एन कितना है पावर 2, तो 2 को पहले लिख लो 2, टी की पावर एन माइनस वन, तो 2 − 1, तो 2 − 1। वही ddt ऑफ t की पावर n, तो ddt ऑफ t 1, ddx ऑफ x 1, ddy ऑफ y 1, ddz ऑफ z 1, dda ऑफ सब 1। लेकिन अगर रखना चाहते हो तो 1 लिख के इंटू टी की पावर 1 − 1 कर देंगे, 1 − 1 मीन्स 0, 0 की जगह किसी के भी पावर अगर 0 होती है तो वो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये 3 × 6 t² 3 में से घटाने पर, 3 × 6 t में से 2 में से घटाएंगे t, प्लस 1 था तो 1, ये टी की पावर 0 की वैल्यू 1 1 1 जा 1, आंसर आ गया। ये अवकलन था, गणित था आपका, इसका उपयोग होगा इसीलिए हम बता दिए थे, ठीक है, मिटा दे रहे हैं इसको हम लोग। अब चलते हैं अपने उसमें, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, एक एग्जांपल भी दिखा दिए कैसे होता है अवकलन। क्यों मैथ आनी चाहिए थोड़ा बहुत, जो मैथ लिए हैं उनको तो ठीक है, लेकिन जो बायोलॉजी लिए उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए ये बताना जरूरी था। ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, तात्कालिक वेग v बराबर ds/dt मीटर प्रति सेकेंड। अब बात करते हम थोड़ा सा किसकी, त्वरण की। त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेशन, त्वरण, एक्सीलरेशन
वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या एकांक समय अंतराल में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। परिभाषा लिख लेंगे कि एकांक समय अंतराल में वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, या किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसे जो है स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यह जो है वह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। इसकी विमा जो होती है क्या होती है? इसकी विमा मीटर का मतलब एल, सेकंड का मतलब टी स्क्वायर, ऊपर गया तो माइनस टू ठीक है। त्वरण की विमा ये। अब त्वरण बराबर क्या होता है? सूत्र लिख देते हैं, वेग परिवर्तन बटे समय। अब वेग परिवर्तन बटे समय का मतलब ये लिख दीजिए, या त्वरण ए बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय ये लिख देंगे। अब इसमें एक चीज समझिए, अंतिम वेग जो होना चाहिए वो अगर प्रारंभिक वेग से बड़ा हुआ तो त्वरण धनात्मक, और अंतिम वेग अगर प्रारंभिक वेग से छोटा हुआ तो त्वरण क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्लियर हुआ? अगर अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से, अंतिम वेग को कहते हैं स्मॉल वी, ये वी होता है, प्रारंभिक वेग को कहते हैं यू, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अंतिम वेग को क्या कहते हैं? स्मॉल वी, प्रारंभिक वेग को कहते हैं स्मॉल यू, फाइनल वेलोसिटी मींस वी, इनिशियल वेलोसिटी मींस यू, इफ वी इज ग्रेटर देन यू देन द एक्सीलरेशन बी पॉजिटिव, एंड इफ इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी देन एक्सीलरेशन बी नेगेटिव। यदि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से बड़ा है तो त्वरण धनात्मक होता है, और यदि प्रारंभिक वेग अंतिम वेग से बड़ा हो गया तो त्वरण ऋणात्मक होता है। ये ध्यान देंगे। फिर हम लोग पढ़ लेते हैं तात्कालिक त्वरण क्या है, नोट कर लीजिएगा इसको, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम बताते हैं तात्कालिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी करके इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, समझ में आया? अंतिम वेग को कहते हैं स्मॉल वी, प्रारंभिक वेग को कहते हैं स्मॉल यू, परिवर्तन मतलब जानते ही हैं घटाना है,
यदि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से बड़ा होता है तो वह त्वरण धनात्मक बनती है, और यदि प्रारंभिक वेग अंतिम वेग से बड़ा हो गया तो त्वरण क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। तात्कालिक त्वरण क्या कहते हैं समझ लीजिए। तात्कालिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। INS इंस्टेंटेनियस, TITENIOUS इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ACCELERATION इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मीन्स तात्कालिक त्वरण। किसी विशेष समय के त्वरण को तात्कालिक त्वरण कहते हैं। किसी विशेष समय के त्वरण को तात्कालिक त्वरण कहते हैं। गुड इवनिंग बेटा। किसी विशेष समय के त्वरण को तात्कालिक त्वरण कहते हैं, ये परिभाषा लिख लेंगे। वही तात्कालिक त्वरण A इक्वल dv/dt, ये होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसी विशेष समय के त्वरण को या किसी विशेष समय द्वारा तय किए गए वेग के त्वरण को तात्कालिक त्वरण कहते हैं। या परिभाषा सीधा सीधा लिखिए, परिभाषा तो आता नहीं लेकिन जानते रहिए कि किसी विशेष समय के त्वरण को तात्कालिक त्वरण कहते हैं। A इक्वल dv/dt, ये होता है डी, वही बताए थे ना, जहाँ डी लग गया वो तात्कालिक हो गया, छोटा से छोटा हो गया, तुरंत काम करने वाला। चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए। यदि किसी वस्तु का विस्थापन इसी पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु का, तब हम पढ़ेंगे गति के समीकरण। यदि किसी वस्तु का विस्थापन, विस्थापन को काहे से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एस से। एस बराबर कुछ भी दे दिया गया कि 2t² + t + 4 है, मीटर ये दिया गया मीटर द्वारा व्यक्त होता है। मीटर द्वारा व्यक्त होता है तो t = 2 सेकंड में वेग, तो t = 2 सेकंड में वेग, t = 2 सेकंड में वेग तथा t = 1 सेकंड में त्वरण ज्ञात कीजिए। सॉरी बेटा, तथा t = 1 सेकंड में त्वरण ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए आपका एक सवाल है। कर लेते हैं इसको। हमको विस्थापन दिया गया है और कह रहा है कि t = 2 सेकंड पर उसका वेग क्या होगा और t = 1 सेकंड में उस वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो देख लेते हैं, पहले दिया क्या गया है हमको। हम जानते हैं कि चूंकि वेग v = होता है ds/dt, विस्थापन यस ही होता है ना, ds/dt वेग होता है। तो वेग बराबर, अभी हमने फार्मूला बताया तात्कालिक वेग का कि ds/dt होता है, उससे हमको क्या निकल जाएगा, v निकल जाएगा। तो v इक्वल dt लिख के वेग यस, विस्थापन यस दिया गया है 2t² + t
प्लस फोर मिल गया है। इसी तरह से अभी हमने आपको अवकलन बताया था कि नहीं बताया था, अभी इसी टाइप का अवकलन आपको बताया कि DDT सबके साथ कर दें, जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, DDT ऑफ 2T स्क्वायर DDT ऑफ t प्लस DDT ऑफ 4। यहाँ 2 को बाहर कर दोगे तो मिल गया DDT ऑफ t स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं बार होगा, DDT ऑफ t का मान क्या होता है 1, तो 1 लिख देंगे, प्लस DDT ऑफ 4 अचर पद है 0 हो जाएगा, 2 तो रहने दीजिए, DDX ऑफ x की पावर n, तो फार्मूला वही पहले 2 था तो 2 लिख दिए, इंटू n पहले आ गया 2 ही है n, इंटू t की पावर n माइनस 1, ये प्लस 1 था ही, 0 के रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, यहाँ 4 है 4 लिख देते, 0 को रखने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं, 2 दूनी 4, तो v बराबर मिल गया 4t प्लस 1, दो में से घटाएंगे, एक t की पावर एक लिखेंगे नहीं, तो मिल गया 4t प्लस 1, ये तो मिला वेग v का मान मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अब इसमें एक चीज़ ये कहा कि t बराबर 2 सेकेंड में वेग, तो t बराबर 2 सेकेंड पर रख देते हैं, t बराबर रख दीजिए 2 सेकेंड पर वेग, 2 सेकेंड पर वेग कहा है, तो v बराबर 4t का मान कितना है 2, तो 2 प्लस 1 4 दुनी 8 और 1 9 मीटर प्रति सेकेंड। ये तो पहले के लिए वेग मिल गया, v बराबर 4 दुनी 8, क्योंकि 4t का मान 2 है तो 4 गुणे 2 धन 1, 4 दुनी 8 और 1, कितना आसान था, देखिए कुछ नहीं करना था, पहले कहा वेग ज्ञात कीजिए, तो वेग का सूत्र जानते हैं ds/dt, तो DDT s की जगह पर हम लिख दिए 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 4, अलग अलग करेंगे तो DDT ऑफ 2t स्क्वायर, फिर DDT ऑफ t, फिर DDT ऑफ 4, 2 को बाहर कर देंगे तो मिलेगा DDT ऑफ t स्क्वायर प्लस DDT ऑफ t का वैल्यू 1 बताया भी था अभी हमने, प्लस DDT ऑफ 4 का मान 0। अब इस 2 को तो ऐसे रहने दो, ये 2n, n का रूप बना है ना, इसको बाहर कर दिए, t की पावर n माइनस 1, तो 2 में से घटा देंगे, प्लस 1 था तो 1 लिख दिए, v इक्वल 2 दूनी 4 t की पावर 1, तो केवल 4t प्लस 1, t बराबर 2 सेकंड कहा था सवाल में, तो t बराबर 2 सेकंड लिख के हम वैल्यू को पुट कर दिए, तो वेग आ गया 9 मीटर प्रति सेकंड। अब हमको क्या ज्ञात करना है, 1 सेकंड में त्वरण ज्ञात करना है, ठीक है, हमको ज्ञात करना है 1 सेकंड में त्वरण, और त्वरण के लिए हम जानते हैं सूत्र क्या होता है त्वरण का, अभी यही हम लोग पढ़े हैं कि त्वरण a बराबर dv/dt, यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है dv/dt, तो वही लिख दीजिए, त्वरण a बराबर DDT ऑफ v, v की वैल्यू क्या आई थी 4t प्लस 1, यही तो आया था, तो यहाँ लिख देंगे 4t प्लस 1, या a बराबर DDT या 4t, तो DDT या 4t 4 पहले कर लीजिए, तो क्या मिला DDT ऑफ केवल t, ये DDT ऑफ 1 है तो DDT ऑफ 1 लिखिए, हल करेंगे तो a इक्वल मिल जाएगा केवल DDT ऑफ t का मान 1, तो 1 लिखेंगे नहीं, केवल 4 बचा, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो t बराबर किस पर, 1 सेकेंड पर, तो 1 सेकेंड पर करोगे तो, लेकिन यहाँ t की वैल्यू दी नहीं है, इसलिए अतः त्वरण a बराबर 1 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही हो, जब t का मान t मिला ही नहीं तो 1 कहाँ रखेंगे, तो देखिए ये एक समान त्वरण हो गया, यहाँ पर हम t का मान
एक रखेंगे तो पाँच मिलेगा, दो रखेंगे तो नौ मिला, तीन रखने पर हमको क्या मिलेगा, चार तियाई बारह एक तेरह, चार रखने पर चार चौक सोलह एक सत्रह। मतलब अगर हम समय को परिवर्तित करते जा रहे हैं तो हमारा वेग भी क्या हो रहा है, परिवर्तित होता जा रहा है। इसलिए ये तो एक समान वेग हुआ नहीं, ये असमान वेग हो गया ना। लेकिन यहाँ पर जो त्वरण है, त्वरण क्या है, चार मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब जब टी है यही नहीं है यहाँ, तो टी का मान एक रखोगे तो भी चार, दो रखोगे तो भी चार, तीन रखोगे तो भी चार, चार रखोगे तो भी चार, क्योंकि टी जब नहीं तो मान कहाँ रखा जाएगा, कहीं नहीं। तो ये इसलिए चार मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक समान त्वरण है, जबकि ये एक समान वेग नहीं है, ये क्या है आपका, असमान वेग है। हालांकि ये पूछा नहीं है, मतलब आपको बता दे रहा हूँ कि आप कैसे जानेंगे कि एक समान वेग है कि एक समान त्वरण है। तो एक समान वेग के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि एक समान वेग के लिए हमारे जो वेग की वैल्यू हो वो क्या हो, चेंज ना हो। अगर यहीं दो की जगह चार कर दें तो चार चौक सोलह एक सत्रह हो रहा है, लेकिन यह नौ मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रहा है तो वह सत्रह हो जाएगा ना चार रखने पर। मतलब टी का मान जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वेग बदलता जा रहा है, तो टी का मान तो बढ़ रहा है लेकिन वेग भी बदल रहा है, टी का मान बदल रहे हैं तो वेग बदल रहा है, तो वह असमान वेग हो गया। लेकिन यहाँ पर टी का मान चाहे जो रखेंगे त्वरण चार ही मिलेगा, क्योंकि उसमें टी है ही नहीं, तो वो एक समान त्वरण है जबकि ये असमान वेग है। क्लियर हो गया है, तो नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे देखते हैं। एक सवाल और, ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे, और उसके बाद में आज के लिए बस इतना ही क्लास चल पाएगी। कल एक न्यूमेरिकल करवाएंगे और इसके आगे गति के समीकरण पढ़ाएंगे, गति के समीकरण को प्रूफ करवाएंगे, प्रूफ करवाने के बाद ही कल वीडियो में बंद करूँगा। तो आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कमेंट शेयर ये भी सब कर दिया करो बेटा, ठीक है। जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। तो गुड नाइट, आज के लिए इतना ही।